राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनने के बाद रोडवेज की बसें पुल के ऊपर से निकल जाती हैं और स्कूल कॉलेज को जाने वाली छात्राएं पुल के नीचे बसों का इंतजार करती रहती हैं, जिसके बाद उन्हें अपना किराया खर्च करके स्कूल कॉलेज तक जाना पड़ रहा है। इसको लेकर जिला पार्षद शैलेंद्र सिंह हरियाणा, रोडवेज मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई है कि गांव सीकरी में हरियाणा रोडवेज की बस का स्टैंड बनाया जाए ताकि छात्राओं को कोई परेशानी न हो। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि आगे से जितनी भी बस हरियाणा रोडवेज के वहां से गुजरती है वह सभी पुल के नीचे से होकर जाएंगी और पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और बस आम आदमी की सवारी है और आम आदमी के लिए बस सुखनी चाहिए। मैंने बताया कि बस फ्लाई ओवर से जाती है और कोई भी ड्राइवर बस को कौन से लेकर जाएगा या पलो फरीदाबाद हो या फरीदाबाद से पलो हो, यहाँ फ्लाई ओवर से कौन सी बस लेनी चाहिए। मैं नागपाल को आदमी दिया कि सभी बसें फ्लाई ओवर को कौन से लगा नहीं देगा तो सवारियों को परेशानी न हो। आपसे चलेंगे आज हम माननीय परिवहन मंत्री जी मूलचंद जी से मिले। सीकरी गांव में बसों की प्रॉब्लम को लेकर हम माननीय मंत्री जी से मिले। हमारा जो सीकरी गांव है 28 गांवों का सेंटर है और इसमें अब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं तो लड़कियों को बसों में आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जो पुल है उससे ही बस ऊपर से चली जाती थी। हमने माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भाई ये नीचे से बस आए ताकि 28 गांवों के लोगों को आने जाने में सुविधा हो और हमारी बेटियां बस में एजुकेशन के लिए फरीदाबाद बल्लभगढ़ जा सकें।